महत्त्वाचं समजलं जातं स्त्रियांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी. प्रथा आहे तिकडे सगळ्या स्त्रिया एकत्र येतात आणि वान वगैरे जे असेल जो तो आपापल्या ऐपतीप्रमाणे देत असतं, पण ते टोकन ऑफ लव्ह आहे. त्याच्यामुळे जनरली स्त्रियांनी सगळ्यांनी एकत्र येणं, ते साज शृंगार करून आलेले असतात स्त्रिया सगळ्या एकमेकीशी गप्पा करणं, त्याच्यामुळे नॅचरली त्यांना पण काय काय वेळी गायडन्सही मिळतो आणि एक आनंदही मिळतो. ज्या आनंदामुळे जानेवारीच्याच महिन्यात संक्रांत येत असल्यामुळे पुढचं 12 महिनेसुद्धा त्या एनर्जेटिक राहतात. त्याच्यामुळे ह्याचं जे सांस्कृतिक मूल्य आहे त्याबरोबर महत्त्वाचं एकत्र येऊन त्यांनी सुद्धा तेवढ्या स्ट्रेंथ ती एकत्र येते. म्हणून आजही आम्ही धडक कामगार युनियनच्या प्लॅटफॉर्मवर सगळ्यांनी एकत्र येऊन एकमेकाशी आमचे विचारही शेअर केलेले आहेत. नॅचरली त्या बायकांना जी एनर्जी मिळेल ती त्यांना पुढच्या वर्षभरासाठी पुरेशी होईल या ह्याने एकमेकांचे अनुभव आम्ही शेअर केले. देखिए हल्दी कुमकुम जो प्रोग्राम है वो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम माना जाता है, क्योंकि साल में यही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सारी महिलाएं एकत्र होती हैं और एक दूसरे को जानती है, पहचानती है, थोड़ा उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और एक बोलते हैं ना एक प्लेटफॉर्म मिला है. धड़क कामगार यूनियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हर एक महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़ना, दूसरों की मदद करना, ये सारी चीज़ें धड़क कामगार यूनियन के थ्रू औरतों को मिली है. तो मैं सब औरतों को हल्दी कुंकू की बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी कि वो इसी तरह से खुद भी आगे बढ़े और दूसरी औरतों को भी प्रोत्साहित करें कि वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम को वो अटेंड करें. साल में एक बार वक्त निकाल के एकजुट होके वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और जो औरतें कमज़ोर होती है उनको ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है. आयरन जैसे यहाँ पे सायरा मैडम है, मम्मी जी हैं और सायरा पठान जी हैं, मैं हूँ पूनम ओबरॉय, हमने अपने हक से ज़्यादा दूसरों के हक की बहुत सी लड़ाई की है. और एक ऐसा पल आता है लाइफ में जहाँ हम लोग उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो कमज़ोर लेडीज़ है वो हम सबको देख के अपने हक की लड़ाई खुद लड़े. ठीक है, मैं यही बोलना चाहूँगा. सेम चीज़ मैं भी यही अपेक्षा रखती हूँ कि जो इस साल में एक बार ये प्रोग्राम होता है स्पेशली हल्दी कुंकू, और इसमें हर कोई आके जो सुहागन होते हैं अपने सुहाग का जो रूप होता है वो पहन कर आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की दुख तकलीफ की बात करते हैं, खुशियों में भी शामिल होते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो दुख होता है वो कम होता है और उसी के वजह से एक दूसरे से जो पहचान होती है वो आगे एक दो कदम आगे बढ़ती है. तो ये धड़क कामगार यूनियन जो है ख़ास महिलाओं के लिए, तो उसके लिए जो हमने कदम उठाए कि बहुत सारी महिला है कि चाह कर भी वो कोशिश कर कर भी वो चीज़ नहीं कर पाते, और एक सोशल मीडिया का माध्यम जिससे लोगों ने मुझे पहचान दी, मैं एक सोशल मीडिया का चेहरा हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में मैं जाऊँ, लोगों से मिलूँ. और वहाँ बहुत सारी औरतें होती, कोई अपनी, अभी एक लेडीज़ ने मुझे ये बताया कि आपके साथ मुझे अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शेयर करनी है और आप उसे सॉल्व कर सकते हो. तो यही बात होती है कि ऐसे प्रोग्राम में आपको स्पेशली जाना चाहिए, लोगों से थोड़ी मिलनी चाहिए, और ख़ास करके औरतों को ये सब चीज़ें करते वक्त बहुत खुशी होती है, खुशी के साथ एक अच्छा काम भी आपके हाथों से हो जाता है. तो मैं तो यही चाहूँगी जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो इंशाल्लाह मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँ. मैं सायरा पठान और ये हमारी मम्मी जी है और ये हमारी सायरा पत्तानी पूनम अबरॉय. आज हम लोग धड़क कामगार यूनियन के तरफ से हम यहाँ शामिल हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हुआ. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारत जैसे देश में, एक हिंदुस्तान जैसे देश में भारत नारियों को इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट और हर चीज़ की सुविधा मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ. और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि धड़क कामगार यूनियन के तरफ से जो हमारे सर ने अब जो महिला संगठन बनाए उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम सर को शुक्रिया बोलना चाहते हैं. और ये हमारी मम्मी की सीख है जो हमारे सर ने हम लोग को इस काबिल समझे और हम लोग को महिलाओं के अधिकार के लिए हमको खड़ा करे. आज जो भी महिला, आज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी महिला लेडीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, किसी की
शादी का मसला है, किसी का घरेलू मसला है, बहुत सी ऐसी तकलीफ जो आती है महिलाओं को, तो हम लोग मिल के सब काम कर रहे हैं उसमें, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हम लोग को रिजल्ट भी मिल रहा है। हमारे सर का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है सर, और हम लोगों को हर तरीके से हेल्प करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ अभिजीत राणे सर का, जिन्होंने हमें ये काबिल समझे। और बाकी तो बहुत अच्छा हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हुआ, एक महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलती है और एक खुशी मिलती है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं तो स्पेशली एक चीज़ बोलना चाहूँगी, धड़क कामगार यूनियन जो है वो हमारे भाई जो है, यूनियन मतलब एक जेंट्स लोगों का संगठन होता है, और उन्होंने स्पेशली हम लेडीज़ लोगों को खड़ा किया, तो हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा परिवार हमारा एक है, और चाहे जो भी सिचुएशन हो, जो भी किसी को प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि पूरे परिवार में से जो जिसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इसी की बात है। हाँ, सोशल पर्सन, तो ये उम्र में यंग होते हुए भी सब लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, और उसमें जो धड़क देने की धड़ाड़ी है वो नेचुरली उसका फायदा सबको हो जाएगा। इसलिए जितना संगठन के रूप में, व्यक्ति के रूप में आज इतना अच्छा नेता अगर किसी को मिलता है, तो नेचुरली जो फीलिंग्स अभी ये लेडीज बोल रही है, तो उनको भी सबको फायदा हो जाएगा, और उनको जो बोलते आशीर्वाद वेल विशेष जो है सबका तो मिलते रहेंगे, तो नेचुरली सब आगे आगे जब जाते हैं तो संगठित होकर जब इकट्ठा होकर जाते हैं तो वो एक ताकत है, और वो ताकत ऐसी आगे बढ़ेगी। इसके लिए मैं शुभकामना।